सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं इतने बड़े नंबर का आप मल्टीप्लाई विद इन 1 सेकंड कर सकते हैं। वीडियो पसंद नहीं आएगी डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और इस ट्रिक को सीख लीजिएगा कि इतने भारी भरकम नंबर्स को हम 1 सेकंड के अंदर या फिर कहें तो 1 स्टेप के अंदर कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं अपना ये ट्रिक। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा 5 6 30 आ जाएगा। दोस्तों 30 का कैरी 3 ऊपर आपको लिख लेना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका इसके मल्टीप्लाई करके आपको उसमें ऐड कर देना है। तो 5 किया कितना हो गया 15, 15 और 6 4 24, 15 और 24 होता है 39 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 42 या 42 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा कैरी, 4 कैरी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करके इसका इसका मल्टीप्लाई करके इसका इसका मल्टीप्लाई करके आप उसमें ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा 5 4 20 20 और 20 और 6 2 12, 20 और 12 कितना होता है 32, 32 और इसका हो गया 12, 32 और 12 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा 48। अब आपको कितना कैरी आ गया, 4 कैरी आ गया। फिर आपका अगला स्टेप क्या है, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, आप अपने ऐड कर देना है। तो 4 4 कितना हो गया 16, 16 कैरी 4 5 कितना हो गया 20 हो गया, 20 और इधर 6 आ गया कितना हो गया 26। फिर आपके पास क्या आ गया, 2 कैरी आ गया, ठीक है 2 कैरी आ गया। अब इसको इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 8 8 और 2 क्या होता है 10 होता है। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर निकल के आ चुका है। दोस्तों अभी एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूँ, घर पे कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता दीजिएगा एक लाइन में करके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ये मैथ्स है और मैथ्स बिना किए नहीं आता है। वीडियो पसंद है उसे लाइक कर दीजिए, लाइक करने में क्या जाता है आप लोग। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।